जौनपुर सागंज नगर के भारी मोहल्ले में शुक्रवार की रात दो मकान में ताजिया बनाकर बेचने की सूचना पर पहुंची पुलिस घर के अंदर घुस गई। इस रुख को लेकर लोग आक्रोशित होकर कोतवाली का घेराव करते हुए दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोगों ने दरोगा द्वारा ताजिया को क्षतिग्रस्त व मारपीट करने का आरोप भी लगाया। शनिवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने दरोगा महेश सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार को जांच सौंपी है। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि भादी मोहल्ले में दो मकानों में ताजिया रखकर बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक महेश सिंह और अपने हमराजों के साथ उक्त मकान पर पहुंचकर घर में घुस गए। घर में घुसने की जानकारी जब मोहल्ले वालों को हुई तो वह आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में कोतवाली का घेराव किया। घेराव के दौरान दरोगा महेश सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोगों का आरोप था कि पुलिस घर के अंदर जाकर ताजिया को क्षतिग्रस्त करते हुए वहां पर मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी की। उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। शनिवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने दरोगा महेश सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार को सौंपी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।